हाँ मैं यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको एक खबर है जी, उससे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर आपको दिखा भी दूंगा मैं इस तरफ। और दाखिला बंद कर दिया गया है, मैं आप उसके मतलब भी आपको डिटेल से बताता हूँ। मैं पहले आपको ये बता दूं भाई, 1 फरवरी से 1 फरवरी से स्टेटस अम्यून नहीं रहेगा त्वक्कलनामे। अच्छा, किन का अम्यून नहीं रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको कुछ पहली वीडियोज़ में भी ये बता चुका हूँ कि भाई आप अगर मैं कोई आपके साथ फ्लैट्स की न्यूज़ शेयर करता था या जो टिकटॉक रेट हैं वो न्यूज़ शेयर करता था, उसमें भी बताता था मैं, खासकर वो मेरे भाई जो यहाँ से छुट्टी जाना चाहते हैं, बूस्टर शॉट लाजम लगवाएं। अभी बूस्टर शॉट का टाइम भी मिल रहा है, 5-7 दिन बाद का ही क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप ले लें बूस्टर शॉट, लाजम लगवा कर जाइएगा। और जो पाकिस्तान में मेरे भाई बैठे हुए हैं, छुट्टी के तौर पर गए हुए हैं, छुट्टी अभी तक नहीं बढ़ी है, तो वो वेट कर रहे हैं छुट्टी के कामे का, वो आप भाई पाकिस्तान से बूस्टर शॉट लगवा लें। और न्यू वीज़ा वाले भी भाई बूस्टर शॉट पाकिस्तान से आने के टाइम लगवा कर आइएगा। हाँ, आपको कंटाइन करना ही होगा, लेकिन बूस्टर शॉट आपको लगी होगी, आपको कोई भी किसी किस्म की आने वाले वक्त में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, अभी बात कर लेते हैं इस बयान की, इस न्यूज़ के ऊपर। तो भाई दुबई की तरफ से ये कह दिया गया है कि तमामतर जो भी बंदा दुबई में दाखिल होगा उसको बूस्टर शॉट लाजम लगी हो। ठीक है जी, इसके लिए भाई ये है कि मैं आपको दुबई की खबर क्यों बता रहा हूँ। भाई दुबई की खबर इसलिए बता रहा हूँ, दुबई, कतर, कुवैत, सऊदीया, और सऊदीया की तरफ से जो बयान आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये तमामतर एक ही आपको पता है कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कोई भी कर्फ्यू वाला मामला हो, फ्लैट्स मामला हो या ऐसा कोई मामला हो, तो एक जब भी कोई ऐलान करता है तो दूसरे उसके कुछ दिन बाद ही उस चीज को फॉलो करते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने आज की जो ट्वीट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, इसमें साफ वाज़ा लिखा हुआ है कि 1 फरवरी से त्वक्कलनामे स्टेटस अम्यून नहीं रहेगा। लेकिन किन बंदों का, ये आपको क्लियर कर दूं मैं। भाई उन बंदों का जिन बंदों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 8 माह से जायद का टाइम, चाहे एक दिन ही ऊपर हुआ है, यानी कि दूसरी डोज ली थी, अभी 8 माह पूरे हो चुके हैं, अभी तक वो बंदे बूस्टर शॉट नहीं लगवा रखे हैं, तो उनका भाई स्टेटस अम्यून नहीं रहेगा। ठीक है जी, हाँ, अगर आपको 3-4 माह 5 माह हुए हैं तो फिर भी बूस्टर शॉट लाजम लगवाएं, आपका स्टेटस अम्यून ही रहेगा। आप मार्केट्स वगैरह में छुट्टी के तौर पर तमाम जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर भाई आपको 8 माह हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो फौरन से बूस्टर शॉट लगवा लें 1 फरवरी से, ये वरना भाई आपकी तोकलना वगैरह बंद हो जाएगी, इसी के थ्रू फिर आप छुट्टी भी नहीं जा सकेंगे। ये भी आपको क्लियर मैं कर दूं, आपका PCR टेस्ट जो रिपोर्ट होती है, आपकी सेहत हेल्थ पासपोर्ट होता है, वो निकलेगा ही नहीं जब तोकलना नहीं चलेगी।